एक और हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो है ना इसके अंदर हम फर्मवेयर कैसे अपग्रेड करते हैं या इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं डीवीआर की। उसके लिए जो है ना आपने सिस्टम में आना है, सिस्टम में जो है ना आपने आना है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना यहाँ पर ऑनविफ की सेटिंग ढूंढ रहे होते हैं, तो ऑनविफ और सीजीए के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और जो सिस्टम मेंटेनेंस जनरल, उसके बाद अपग्रेड करना है फर्मवेयर, तो यूएसबी में डाल के आप जो है सिस्टम अपग्रेड भी करेंगे तो यूएसबी से जो है ना फर्मवेयर आप कर सकते हैं। इसकी मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ इसके साथ, वीडियो के साथ, ठीक है, कि कैसे अपग्रेड करते हैं एक्सवीआर को। अभी जो है मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो है ना इसके अंदर इन्फो कैसे निकालते हैं। ये बटन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। जब भी आपने किसी को कंप्लेन करनी है किसी भी डीवीआर की, एनवीआर की, तो इन्फो का जो है लाजमी जो है आपने स्नैपशॉट भेजनी होती है। आधी चीज हमें यहां से समझ आ जाती है कि फर्मवेयर पुराना है, तो हमें पता चल जाता है कि कोई बग आया था इसके अंदर, तो अपग्रेड का मैं फौरन ही कह दूँ, टाइम जाय किए बगैर आपको अपग्रेड का कह दूंगा, और आपका अपग्रेड के बाद मसला हल हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद लॉग्स हैं, अगर कोई चीज़ मिसिंग जा रही है या कोई चीज़ ऑन ऑफ आ रही है, तो आप जो है उस चैनल की कोई भी जो है लॉग जो है सर्च करके बैकअप लेके उसको वो भी हमें एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं अगर कोई इशू कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है नेटवर्क। नेटवर्क में मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, बैंडविड्थ होती है, तो यहाँ पर जो कैमरे की बैंडविड्थ आ रही होगी वो यहाँ पर नज़र आ रही है सेंड स्पीड में, रिसीव स्पीड में, ठीक है। सेंड स्पीड क्या होती है कि जो है ना जो आप ऑनलाइन भेज रहे हैं, रिसीव कौन सी है जो कैमरे से आ रही है डीवीआर के पास, रेड लाइन इस वक्त स्टेबल है और जो है ग्रीन ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। तो जो है इसके ऊपर जो है आपका बैंडविड्थ लोड मॉनिटर हो रहा होता है कि टोटल बैंडविड्थ आपकी कितना जा रही है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन है नेटवर्क टेस्ट। पहले जो है ना हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता था, अब जो है ये ऑप्शन भी दे दिया कि आप आईपी कैमरा या कोई और चीज़ को पिंग करना चाहें तो यहाँ सर आप पिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा इंटरनेट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं पिंग करता हूँ, पिंग की कमांड दूंगा, पिंग, आप जैसे आईपी देते थे कोई, ठीक है, स्पेस दी, उसके बाद मैं कहता हूँ www.gmail.com, पता नहीं ये कमांड चलती भी है कि नहीं, टेस्ट, अब ये पिंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो है मतलब कि आईपी आप पिंग करना चाहें कोई भी, आप जो है यहाँ से पिंग कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा, अगर नहीं होगा तो वो कैन नॉट, ये जैसे होता था हमारे पास, ठीक है, ये मेरी कमांड ही गलत है मेरे ख्याल में, पिंग gmail.com, ये देखें ये www.gmail.com किया तो ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, यानी ये पिंग जा रही है इसको, तो यहाँ पर कोई भी आईपी पिंग की कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी गलती हो गई मुझसे, डेस्टिनेशन आईपी या आप जो वेबसाइट है जैसे फेसबुक है, मतलब कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ ना इंटरनेट